हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऐसे युवा जो कांस्टेबल जीडी के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एसएससी ने एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन रणनीति के अंतर्गत करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में क्या इसकी स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है, आपसे एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अभी मैं बात करूंगा इस नोटिफिकेशन की और उस नोटिफिकेशन को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस फोर्स में कितने पद जो हैं वो महिलाओं के लिए और कितने पद जो हैं वो पुरुष के लिए हैं। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। एसएससी कांस्टेबल जीडी नोटिफिकेशन 2025 आउट। कुल पद कितने हैं? तो बहुत बड़ी वैकेंसी है 39,481। ये पद बाद में कुछ और भी बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 5 सितंबर 2024 से प्रारंभ होंगे, अर्थात ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि क्या है? 5 सितंबर 2024। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 14 अक्टूबर 2024, अर्थात आपको एक महीने से भी अधिक का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए मिल रहा है। आवेदन संशोधन की तिथि क्या है? तो आवेदन जो है आप करेक्ट कर सकेंगे 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक। तो ऑनलाइन आवेदन के भरने के और संशोधन के बीच में भी काफी गैप रखा है। आयु सीमा, एज लिमिट क्या है? तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 23 वर्ष है, लेकिन आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, अर्थात 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदन शुल्क इस परीक्षा के लिए क्या रखा गया है? तो आवेदन शुल्क जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रखा गया है और एससी, एसटी और फीमेल के लिए आवेदन शुल्क नहीं है। सीबीटी परीक्षा इसकी कब होगी? तो सीबीटी परीक्षा जो है जनवरी फरवरी 2025 में होगी, अर्थात हमारे पास इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। अब मैं आपको बताता हूं किस बल में कितने पद रिक्त हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। बीएसएफ में 13,306 पद जो हैं वो पुरुषों के लिए रिक्त हैं और 2,348 फीमेल के लिए पद रिक्त हैं, अर्थात बीएसएफ में पुरुष और महिलाओं की रिक्तियां मिलाकर 15,654 हैं। इसी तरह सीआईएसएफ में 6,430 मेल के लिए, पुरुष के लिए पद हैं और 715 फीमेल के लिए हैं। सीआईएसएफ में कुल मिला के वैकेंसी कितनी हो गई? 7,145। इसी तरह सीआरपीएफ में 11,299 पुरुषों के लिए और 242 फीमेल्स के लिए है। टोटल वैकेंसी सीआरपीएफ में कितनी हो गई? 11,541। एसएसबी में जो है 819 पोस्ट जो है वो मेल्स के लिए है और 0 पोस्ट, अर्थात कोई पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए नहीं है। टोटल पोस्ट इसमें कितनी हो गई? 819। आईटीबीपी में 2,564 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और 453 फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। टोटल वैकेंसी ये कितनी हो रही है? 3,170। इसी तरह असम राइफल में जो है 1,148 मेल के लिए रखी गई है और 100 जो है वो फीमेल के लिए रखी गई है। टोटल पोस्ट यहाँ आके कितनी हो जाती है? 1,248। एसएसएफ के लिए, ये सचिवालय सुरक्षा बल है, इसके लिए 35 पोस्ट पुरुष के लिए रखी गई है और महिलाओं के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं रखी गई है, तो टोटल पोस्ट इसमें 35 ही रहती हैं। एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पुरुषों के लिए 11 पोस्ट रखी गई है और महिलाओं के लिए भी इतनी पोस्ट 11 रखी गई है। तो यहाँ टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है? टोटल पोस्ट जो हो जाती है वो 22 हो जाती है। तो जो कुल रिक्तियां हैं, कुल वैकेंसी पुरुषों के लिए हैं वो 35,612 है और महिलाओं के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 3,869 है। ये दोनों मिला के 39,481 पोस्ट हो जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी की वेबसाइट
sscgovin पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अपनी सीट पक्की करनी है, तो आप साहित्य भवन की गाइड और प्रैक्टिस सेट का अध्ययन अवश्य करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।